कोरोना वायरस से खौफ बढ़ता जा रहा है, दो केस कल रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद मेडिसिन मार्केट में जो मास्क हैं वो गायब हो चुके हैं, जो सर्जिकल मास्क है वो मिल ही नहीं रहे, और जिनके पास मौजूद है वो जो 120 रुपए का पैकेट हुआ करता था जिसमें 50 मास्क आते थे वो तकरीबन 1200 रुपए का फरोख किया जा रहा है, जबकि जो दूसरे जो कपड़े वाले मास्क है ये वाले मास्क जो है ये तकरीबन 70 रुपए का फरोख किया जा रहा है और 800 रुपए का दर्जन दिया जा रहा है। जो आवाम है वो बहुत परेशान है और इसमें जो है बच्चों को डरा कर ये किया जा रहा है कि अपने बच्चों को बचाया जाए और ये मास्क खरीदा जाए, तकरीबन 70 रुपए का ये दिया जा रहा है। आवाज लग रही है कोड़ी गार्डन पे और मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा, जो बड़े बड़े जो इसके डीलर्स है उन्होंने ये जो इसकी सप्लाई थी वो रोक ली है, और जो बड़ी तादाद में जो मास्क थे वो पहले ही डंप कर लिए गए, और अब मार्केट में जो सर्जिकल मास्क है वो नहीं मिल रहा, ना N95 मिल रहा है, ना उससे कम दर्जे का, ना उससे बड़े दर्जे का कोई भी मास्क नहीं मिल रहा, और जो मास्क मिल रहे ये कपड़े वाला ये 70 रुपए का है, ये इससे कबल तकरीबन 20 रुपए का मिल रहा था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई इससे फायदा उठा रहे। हालांकि है ये कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये वायरल इन्फेक्शन होता है और तकरीबन 90% जो इसके बीमार होते हैं उनका इलाज हो जाता है। चाइना में तकरीबन 90,000 लोग जो है वो बीमार हुए थे, जिसमें से 30 से 35,000 का इलाज हुआ, वो घरों को चले गए, सिर्फ 2% यानी 2,000 जो है वो उसमें जो है मौत के मुंह में गए, लेकिन पाकिस्तानी इससे गलत फायदा उठा रहे हैं, मास्क से जो है भरपूर कमाई हो रही है। जी।